हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास एट्थ का चैप्टर फोर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी प्रायोगिक ज्यामिति। और इस चैप्टर में हमने मेनली जो डिस्कस करने हैं वो है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड्री मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड्स। ऐसी फिगर जिसकी फोर साइड्स हों दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो वर्ग हो यानी स्क्वेयर हो, आयत यानी रेक्टेंगल हो। वो आप पहले बना भी चुके हैं लेकिन अब इस चैप्टर में हम उनकी रचना सीखेंगे जब हमें कुछ लेंथ्स दे रखी होंगी। तो देखो बेटा, फर्स्ट केस जो हमने आज इसमें डिस्कस करना है वो ये है कि व्हेन द लेंथ्स ऑफ ऑल द फोर साइड्स एंड वन डायगनल इज गिवन, यानी कि जब आपको एक क्वाड्रिलेटरल की फोर साइड्स का यानी चारों भुजाओं का माप दे रखे हैं और एक डायगनल यानी विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, तो आप चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चे लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट। बेटा इसमें आपको एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बनाना है जे यू एम पी, जिसमें आपको कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक रफ फिगर बना लेंगे अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स। तो हमने मैंने अपने आइडिया से एक चतुर्भुज बना लिया जे यू एम पी, अपने साइक्लिक ऑर्डर में इनका नाम रखना है। आपने जैसे जे के बाद क्लॉकवाइज चले तो इधर यू आएगा, इधर आप ऐसा नहीं करेंगे कि जे यहाँ यू फिर इधर एम पी, वो गलत हो जाएगा। आपको ऑर्डर में चलना है जे यू एम पी और उनकी ऐसे आप लेंथ्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो रफ फिगर है। अब रफ फिगर की मदद से हमने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ कंपस, पेंसिल एंड स्केल। ठीक है, और कहीं अगर आपको कुछ इरेज करना तो आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस केस में सबसे पहले आपने बेस किसको मानना है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले बेस हम विकर्ण को लेते हैं। तो विकर्ण कितनी दे रखी है, पी यू दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की मदद से 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। और इस विकर्ण का यानी डायगनल का क्या नाम है, पी यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी यू। अब इधर देखो, पी और यू पॉइंट्स किससे ज्वाइन हो रहे हैं, एक तरफ जे से एक तरफ एम से। तो हम पहले पीजे बना लेंगे। पीजे कितनी दे रखी है, पीजे आपको क्वेश्चन में गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आप अपनी कंपस कितने खोल लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। तो आप दो तरीके, या तो इस पे ऐसे रख के आप खोल सकते हैं या फिर 4.5 सेंटीमीटर के दो डॉट्स लगा लेंगे। ठीक है, और फिर उतनी कंपस खोल के आप पी जे का 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा लेंगे यानी कि एक चाप लगा लेंगे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद पी से तो आपने आर्क लगा ली, अब आपको आर्क लगानी है यू से, यानी चाप लगानी है यू से। यू जे है 3.5 सेंटीमीटर, तो कंपस कितनी खोल लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर कंपस ओपन करी, यू पे रखा और एक आर्क लगा दी। ठीक है बेटा, अब जहाँ पे इन्होंने इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यानी कि इन चापों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो वो पॉइंट हो गया जे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जे। ठीक है बेटा, अब उसी तरह से अब हमें दूसरी तरफ चलना है, हमें पी एम और यू एम चाहिए। तो पी एम कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हम 5 सेंटीमीटर कंपस खोलेंगे, पी पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है बेटा, और यू एम कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब कंपस खोलेंगे, 4 सेंटीमीटर और यू पे रख के एक आर्क लगा देंगे। अब देखिए, जहाँ भी इन्होंने इंटरसेक्ट किया ये हमारा पॉइंट हो गया M। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा आर्क को
इरेज कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अवर कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, पी को जे से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पी टू जे एंड यू टू जे, उसी तरह से P को M से ज्वाइन कर देंगे, और U को M से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, J U M P। रफ फिगर ऐसी थी लेकिन ये एक्चुअल फिगर है। अब हम इन पे इनके मेजरमेंट्स भी लिख देंगे। पी यू कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर, पी जे वॉज 4.5 सेंटीमीटर, जे यू 3.5 सेंटीमीटर, पी एम या एम पी वॉज 5 सेंटीमीटर और यू एम वॉज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी रेडी हो गया है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। अब जो जो आपने स्टेप्स फॉलो किए उनको हमें लिखना भी है कि हमने क्या क्या किया, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि आपने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, या फिर हम इसको बोलते हैं रचना के चरण। तो आइए हम एक बार इनको देख लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने, ठीक है। तो पहला देखिए रचना के चरण, ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था कि एक रेखाखंड पी यू बराबर 6.5 सेंटीमीटर बनाइए, उसके बाद पी को केंद्र मानकर और त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाइए। यही किया था ना हमने, जब एक विकर्ण खींची थी, एक बार पी को केंद्र माना था, एक बार यू को केंद्र माना था, और अब यू को केंद्र मानकर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाए जो पिछली चाप को जे पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है। अब दूसरी तरफ उसी प्रकार P को केंद्र मानकर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाएं, अब U को केंद्र मानकर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाएं जो पिछली चाप को M पर प्रतिच्छेद करे, P को J से और U को भी J से मिला दें, उसी प्रकार P और U को M से मिला दें, और इस प्रकार हमारा चतुर्भुज जे यू एम पी बन गया है, ठीक है बेटा। या फिर अगर आप इंग्लिश में इसको लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी यू इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर विथ पी एस सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विथ यू एस सेंटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट जे, ठीक है। सिमिलरली विथ पी एंड यू एस सेंटर एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू आर्क्स वन बाय वन रिस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम, नाउ जॉइन पी टू जे एंड यू टू जे, जॉइन पी टू एम एंड यू टू एम, एंड हेंस वी कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल जे यू एम पी, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू।